अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लेके हैं सुजुकी वैगनार का रिव्यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको गाड़ी के बारे में सब कुछ अंदाज़ा हो सके, गाड़ी अच्छी है कि आपके लिए बुरी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से गाइस। गाड़ी का फ्रंट लुक काफ़ी खूबसूरत है, सिंगल क्रोम ग्रिल विद क्रोम लोगो, और इंटेक के लिए जो ग्रिल दी गई वो काफ़ी अच्छी है। हैलोजेंस हेडलैम्प्स विद टर्न सिग्नल एंड पार्किंग लाइट्स। गाइस इस गाड़ी के अंदर फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल नहीं आते, वो आप खुद में बाद में इंस्टॉल करवाना पड़ते हैं। गाइस ये गाड़ी साइड लुक से काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड हैं, वी एक्सल मिरर के अंदर साइड मिरर भी बॉडी कलर्ड हैं, और वी एक्सल वेरियंट के अंदर साइड मिरर बॉडी कलर्ड हैं, और VXR के अंदर ब्लैक कलर में आते हैं, बॉडी कलर नहीं आते। इस गाड़ी सामने से काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। गाइस गाड़ी के अंदर नॉन अलॉय व्हील इस्तेमाल किए गए हैं, 14 इंच स्टील व्हील विद कैप्स। काफ़ी अच्छी गाड़ी गाइस गाड़ी दिखाई देती है। गाइस इस गाड़ी के अंदर कोई सेफ्टी फीचर नहीं है, ना ABS ना एयरबैग्स। ये गाड़ी हाईवे के लिए नहीं बनी, ये गाड़ी एक टॉल बॉय डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन गाड़ी है, मतलब जिसके अंदर हेडरूम का कोई लिंक ही नहीं। हेडरूम बहुत ज़्यादा हेडरूम है, लेग रूम भी काफ़ी है। ये गाइस प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, कोई बंदा जो गाड़ी को बगाना नहीं चाहता, आहिस्ता आहिस्ता 80-100 रुपये लेके जाता है, और सिटी के अंदर माइलेज जाता है। जिस गाइस गाड़ी को माइलेज बहुत सली बख्श है, 18 किलोमीटर इन सिटी एंड 20 किलोमीटर इन हाईवे कंपनी क्लेम करती है। बैक लुक गाइस इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, बैक लुक पे LED लाइट्स हैं जो काफ़ी ब्राइट हैं, और गाइस बैक पे सिर्फ और सिर्फ हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स की कमी वाजे होती है, जिसकी वजह से मतलब जो एक सेफ्टी फीचर भी है। इस गाड़ी के अंदर 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है। गाइस इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में जब बैठेंगे आपको ये फील होता है कि आप छोटी गाड़ी में बैठे हैं, आपको ये फील होगा कि आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं। इस गाड़ी का डैशबोर्ड काफ़ी आगे तक, इसलिए आपको बड़ी गाड़ी की फील आती है। RPM मीटर, स्पीडोमीटर, छोटी सी एक स्क्रीन है जिसके अंदर आपको फ्यूल गेज और आपको किलोमीटर बताए जाते हैं। DVD प्लेयर, हैज़र्ड वार्निंग, AC और हीटर कंट्रोल। पैसेंजर साइड सीट के नीचे एक ट्रे दी गई है जिसके अंदर आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। गाइस इस गाड़ी के अंदर आपको 998 cc केसरी इंजन दिया गया, जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, जो काफ़ी अच्छा इंजन है, माना जाता है सुजुकी का फ्यूल एफिशिएंट और काफ़ी ताकतवर इंजन है इस गाड़ी के लिए। गाइस गाड़ी अंदर से काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। गाइस ये गाड़ी स्पेस के लिए मानी जाती है। गाइस इस गाड़ी के अंदर कंपनी 5 बंदे क्लेम करती है 5 बंदे बैठ सकते हैं, गाइस पर नहीं, इस गाड़ी के अंदर 4 बंदे बैठ सकते हैं, 5 बंदे नहीं बैठ सकते। गाइस इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर एक बड़ा बैग और एक छोटा बैग आ सकता है आसानी से। इस गाड़ी के अंदर 4 बंदे और एक बच्चा बैठ सकता है। इसका इंजन काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है और काफ़ी अच्छा इंजन है। इसका AC बहुत अच्छा है, AC परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इसके इंजन के अंदर टेम्परेचर गेज नहीं है, जो जब इंजन गर्म होता है तो खुद ब खुद वो इंजन बंद हो जाता है। ओके गाइस, रिव्यू ख़त्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को